कहानी शुरू हुई 2011 में, जब एक मासूम इंसान पर बे इंतहा जुल्म किया गया। उसे पल पल सताया गया, रुलाया गया। उसके अपनों ने उसे बहुत सताया, बहुत रुलाया। उसकी जिंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दिया था। और आखिरकार वो दिन आया जब उसे उसके अपनों ने निकाल के अलग कर दिया। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। और आखिरकार वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला रहने लगा। तन्हाई में रहते रहते कहीं अरसा गुजर गया, कहीं साल गुजर गए। जिंदगी इसी फिक्र में गुजरती रही कि जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाती रही कि मैं कब कुछ बनूंगा, मैं क्या करूंगा। कई साल गुजर गए रोते रोते और सोचते सोचते, और आखिरकार फिर वो वक्त आया जब उसने अपने ही पैरों पर खड़ा होने की ठान ली। तुम्हारी हेट कमेंट करने से मैं कभी नहीं गिरूंगा। मैं अपनी मंजिल को पा के रहूंगा। तुम जितना भी मेरे खिलाफ जहर उगलो, उससे मैं अपनी मंजिल पे पहुंचने से कभी नहीं रुकूंगा। मेरी मेहनत मुझे मंजिल पे जरूर पहुंचा।
वे जी कश्मीर से अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी हिम्मत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, अपनों को गैर होते हुए मैंने देखा है, अपनों को दुश्मन होते हुए देखा है। मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, मैं बहुत बार अपनी जिंदगी में नाकाम हुआ, मैं कुछ भी नहीं था, मैंने अपने बलबूते पे अपना नाम कमाया है। हर एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है, एक हिम्मत होती है, कुछ करने का दम होता है। आपको हिम्मत दिखानी है हर जगह, अपना पेशन, अपना जज्बा, अपना टैलेंट दिखाओ, किसी से डरो मत। आप जी रहे हो, आप इस दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए, ये कुछ करके जाओ। आपकी कौमें, आपकी नस्लें तक याद रखें, आपको लोग याद रखें कि वो बंदा आया, उसने कुछ किया है।